गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, दिस इज योर इंग्लिश क्लास, इंग्लिश लिटरेचर क्लास. नाउ टेक आउट योर इंग्लिश लिटरेचर बुक्स एंड ओपन द चैप्टर नंबर 3, अ वॉक टू द रिवर. ओके, आप पहले भी इस चैप्टर को सब पढ़ चुके हैं. नाउ टुडे वी विल रिवाइज दिस चैप्टर, अ वॉक टू द रिवर. इट इज अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग. क्या है ये? एक ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग है. कपिल एंड हिज अंकल आर गोइंग फॉर अ वॉक टू द रिवर. कपिल और उसके अंकल कहाँ जा रहे हैं? रिवर, नदी पर वॉक के लिए जा रहे हैं. लुक एट दिस पिक्चर. कपिल और उसके अंकल नदी पर वॉक के लिए जा रहे हैं. कपिल सीज आबू, ही इज कपिल्स बेस्ट फ्रेंड. कपिल ने किसको देखा? सीजमा ने देखा आबू को देखा. और वो कौन है? वो कपिल का बेस्ट फ्रेंड है. गुड मॉर्निंग अंकल. हेलो कपिल. आबू ने क्या किया? गुड मॉर्निंग अंकल. अंकल को गुड मॉर्निंग कहा, कपिल को हेलो बोली. आबू ने भी उसे गुड मॉर्निंग बोला. वेयर आर यू गोइंग? पूछा, कहाँ जा रहे हैं तुम? वी आर गोइंग टू द रिवर. आबू ने जवाब दिया, कहाँ जा रहे हैं कपिल ने? कि हम नदी पर जा रहे हैं. तो आबू ने कहा, अंकल कैन आई कम विद यू? क्या अंकल मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? यस यू कैन आबू. तो अंकल ने जवाब दिया, यस तुम भी आ सकते हो. थैंक यू, आई विल गो एंड टेल माई मदर. थैंक यू, उसने उसे आबू ने कपिल को थैंक यू बोला और कहा, मैं अभी अपनी मदर से पूछ के आता हूँ. सून आबू, कपिल एंड अंकल रीच द रिवर बैंक. और जल्दी ही क्या हुआ फिर? आबू, कपिल और अंकल कहाँ पहुँच गए? रिवर बैंक माने नदी के किनारे पर पहुँच गए. दे स्टैंड नियर द रिवर. और वो क्या हुआ देखिए, नदी के पास पे खड़े हो गए. लुक द वॉटर इज शाइनिंग इन द सनलाइट. क्या है? देखो जो पानी है वो क्या है? शाइनिंग माने चमकना. इन द सनलाइट, सनलाइट माने सूरज की रोशनी में पानी क्या है? शाइन कर रहा है. द वॉटर इज वेरी क्लीन. और पानी क्या है? पानी बहुत साफ है. आई कैन सी द पैबल्स ऑन द रिवर बेड. और मैं क्या है, जो रिवर बेड है उसके उस पर पैबल्स देख सकता हूँ. डू यू सी दैट ब्रिज. देखो अंकल क्या है, बच्चों को ये ब्रिज है ये दिखा रहे हैं. डू यू सी दिस ब्रिज. क्या तुम उस ब्रिज को देख रहे हो? इट इज वेरी ओल्ड. ओल्ड माने पुराना. ये क्या है? बहुत पुराना है. बट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग माने मजबूत. लेकिन ये क्या है? बहुत पुराना है लेकिन बहुत मजबूत है. लुक देयर इज अ बस ऑन द ब्रिज. देखो वो ब्रिज पर क्या जा रही है? एक बस जा रही है. अंकल वेयर डज द बस गो. अंकल ये बस कहाँ जा रही है? बच्चों ने पूछा, अंकल ये बस कहाँ जा रही है? तो अंकल ने जवाब दिया, इट गोज टू सेवापुर. ये कहाँ जा रही है? ये सेवापुर जा रही है. अंकल कैन यू प्लीज टेक अस टू सेवापुर. तो बच्चों ने क्या कहा? अंकल सिर्फ कहा, अंकल क्या आप भी हमें सेवापुर लेके चलेंगे? श्योर वी कैन गो ऑन संडे. अंकल ने कहा, यस बिल्कुल, हम कब चलेंगे? संडे को चलेंगे. तो फिर जब बच्चों ने कह दिया अंकल ने कि हम संडे को चलेंगे सेवापुर, तो बच्चों ने उन्हें क्या बोला? थैंक यू. ओके, नाउ टुडे वी विल रिवाइज वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. ओके, देखिए वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग. फर्स्ट वर्ड है रिवर बैंक. रिवर बैंक का मीनिंग क्या है? द लैंड अलोंग द साइड ऑफ अ रिवर. ओके, द लैंड अलोंग द साइड ऑफ अ रिवर. जो नदी का किनारा होता है जमीन की तरफ वो क्या कहलाता है? रिवर बैंक. सेकेंड
shining. Shining means giving out bright light. Giving out bright light, shining means जो कि चमकता है, जो कि एक bright light देता है, shining. Third है sunny. Sunny means bright. With sunlight. Bright with sunlight. Sunny means bright with sunlight, जो कि सूरज की रोशनी में चमकता है. Fourth है river bed. River bed means the ground over which a river flows. क्या है river bed? The ground over which a river flows. जब आप देखते हैं नदी का एकदम से फ्लो आता है ग्राउंड की तरफ, तो वो क्या होता है, एकदम नदी के किनारे पे, नदी उस पे ग्राउंड पे आके लगता है, जो एकदम रिवर का फ्लो होता है, तो वो क्या कहलाता है, रिवर बैंक. तो फर्स्ट वर्ड है रिवर बैंक, द लैंड अलोंग द साइड ऑफ अ रिवर. सेकंड है शाइनिंग, गिविंग आउट ब्राइट लाइट. थर्ड है सनी, ब्राइट विद सनलाइट, जो कि सूरज की रोशनी में चमकता है. रिवर बैंक, द ग्राउंड ओवर विच अ रिवर फ्लोस, वो ग्राउंड जो कि कहाँ, जगह जहाँ पर रिवर नदी का पानी तेज बहाव के साथ जब आता है वो कहलाता है रिवर बेड. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड. यू हैव ऑल्सो राइट दिस वर्ड मीनिंग. प्लीज लर्न इट ऑल्सो. ओके, प्लीज लर्न दिस वर्ड मीनिंग एट योर होम. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.